अक्सर देश के कैसे परिणाम देख रहे हैं आप? देश में जो बड़े बड़े आंकड़े एग्जिट पोल और भाजपा के सभी दिग्गज नेता बता रहे थे और मोदी जी के शपथ ग्रहण के बारे में जो पहले से ही वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो सब चौपट हो गया है। वर्तमान में जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं उसमें लगभग भाजपा के 240 सीटें के आसपास हैं और जो उनके गठबंधन में जो अन्य साथी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, जो हमें जानकारी मिल रही है कि दोनों पार्टी जो हैं TDP और JDU वर्तमान में ये कह रही है कि उनके नेता अभी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। और जहाँ तक सवाल इंडिया गठबंधन का है, मैं मानता हूँ जो प्रदर्शन हमारा हुआ है उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जाता है, प्रियंका जी की जो मेहनत थी, खड़गे साहब ने जो मेहनत की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो वहाँ पर जो उनको सीट मिली है सपा को, ममता बनर्जी को जो सीट मिली है वेस्ट बंगाल में, ऐसे अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के जो साथी, शरद पवार साहब की हम बात करें महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे साहब की बात करें महाराष्ट्र में, सब ने मिलकर जो आंकड़ा जो हासिल किया है, DMK की हम बात करें तमिलनाडु में, तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से हमारा गठबंधन बना था कि सभी लोग, सभी राजनीतिक दल जो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता में विश्वास करते हैं, जब सब एक आए तो कहीं ना कहीं जो कुर्सी मोदी जी की थी वो हिल गई। ये बात सही है कि जो परिणाम मध्य प्रदेश में आए ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी। हम सभी बहुत अफसोस है इस बात का कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है।